एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है सभी ने दिया ईशान का साथ सिखाया पाटिल को सबक। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो है गुम गए किसी के प्यार में अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है, जहां एक तरफ सभी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है पाटिल, कुछ ज्यादा ही हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है उसकी हरकतें, और दूसरी तरफ ईशान को हो रही है अपनी रीवा की शादी की बहुत ज्यादा फिक्र कि कहीं उसकी शादी वाकई में हो ना जाए, कहीं मैं अपनी सभी से अलग ना हो जाऊं। उसको बार बार सभी की टेंशन सता रही है क्योंकि वहाँ ईशान जो है अपनी सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जी हाँ दोस्तों, और ईशान को ये बात पता चल जाती है कि सभी के हाथ में पाटिल की वजह से चोट लगी है, तो वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और पाटिल के पास चला जाता है झगड़ा करने के लिए। तभी पाटिल बोलता है कि अगर ईशान तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मैं तेरे को ऐसे जुर्म के अंदर करूँगा तुझे याद आ जाएगा। ईशान ने कहा कि तू ज़्यादा दिन इस थाने में नहीं रहने वाला, मैं तेरी तो बदली करा के रहूंगा। तभी पाटिल भी ईशान को धमकी देते हुए नजर आएगा और बोलेगा कहीं ऐसा ना हो कि सभी की जिंदगी में तू शादी की घोड़ी पर चढ़ने से पहले अर्थी पे ना चढ़ जाए। तभी ईशान बोलता हुआ नजर आएगा, देखते हैं कि अर्थी पे चढ़ता हूँ या घोड़ी पे। तो दूसरी तरफ देखने को मिलने वाला है दुर्वा ने पूरे कॉलेज के अंदर एक पार्टी रखी हुई है, जो शादी से पहले बैचलर पार्टी होती है उसके अंदर बहुत डीजे वगैरह लगते हैं, और ईशान और रीवा अपनी ड्रेस पहन के तैयार हो जाते हैं, और जैसे ही वह सभी की दुकान के यहाँ से एंट्री करते हैं तो सभी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, और सभी को देखते हुए दुर्वा के कुछ दोस्त सभी की दुकान पर आकर नाचने लगते हैं, और इन सब हरकतों से सभी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और राव साहब भी सभी को चिढ़ाते हुए नजर आते हैं। राव साहब सभी से यहाँ कहते हैं कि बोलते हैं कि अगर तुम्हारी दुकान में कुछ ड्रिंक्स वगैरह हो तो अंदर दे सकती हो, उसके पैसे हम दे देंगे जितने भी होंगे, और अगर दुकान बंद रखनी है तो बंद भी रख सकती हो क्योंकि ये दुकान खुली हुई अच्छी नहीं लग रही है। आज हमारे बेटे का फंक्शन है, तो यहाँ राव साहब और अक्का साहब चिढ़ाती हुई नजर आएगी सभी को, सभी की दुकान पर थोड़ी देर के लिए खड़ी भी रहेंगी और टेंशन मारती हुई नजर आएगी, और ध्रुवा जो है अपने दोस्तों के साथ खेलती हुई नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, और सभी जो अपने घर चली जाती है और अपने रूम पे जाकर रोने लगती है कि ईशान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी उसको समझाते हुए नजर आएंगे शुक्ला जी और हरनीत आई, उसको समझाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो तू डिसीजन ले, क्या तुझे ईशान के पास जाना है या फिर अपनी पढ़ाई करनी है। तभी सभी बोलती है कि ताई मैं ईशान के पास नहीं जा सकती, अभी हमारा डिवोर्स हो चुका है और ईशान की शादियों का तैयारी चल रही है और ईशान ने खुद फैसला लिया है अपनी शादी का। और राव साहब ने जो पार्टी रखी है अंदर ठुमके लगाए हैं, डांस कर रहे हैं, राव साहब डीजे को इतनी तेज आवाज में बजाया कि सभी के कान में दर्द हो गया है, और डीजे चलते चलते ही वहाँ पे एक हादसा हो जाता है। डीजे चलते चलते और नाचते हुए कुछ लड़के कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे वहाँ के टेंटों में आग लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ भगदड़ मच जाती है और रीवा और ईशान वहाँ से बचकर भागते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी तरफ पार्टी सभी के लिए फिर से दोबारा फ्रूट्स वगैरह लेकर आएगा और उससे माफ़ी मांगेगा। पाटिल बोलेगा कि सभी मुझे माफ़ कर दो, आगे से मेरे से ये सब नहीं होगा। तभी ईशान भी वहाँ पर आ जाता है और ईशान को पाटिल देखकर चौंक जाता है और पाटिल को फिर से ईशान धमकी देता हुआ नजर आएगा, और दोनों में हाथापाई होती है नजर आएगी, और फिर ईशान के साथ देती हुई नजर आएगी सभी। पाटिल सब देख कर बिल्कुल पसंद नहीं करता कि सभी ईशान का साथ दे रही है बल्कि उसका साथ नहीं दे रही है, और पाटिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, सभी ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ। जी हाँ दोस्तों, अगले एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तभी पाटिल अपने घर जाकर रोने लग जाता है सभी के लिए और सोचता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे सभी मेरी हो जाए। तभी पाटिल सोचता है क्यों ना मैं सभी को कि जो दुकान है उसके मालिक को उसको भड़का के सभी की दुकान ही ख़त्म करवाऊँ और उसको लाचार बना दूँ ताकि वो मेरी मदद लेने के लिए तैयार हो जाए, और फिर मैं अपनी शादी का ऑफर उसके सामने रखूँगा ताकि उसकी लाइफ बन जाए। तभी पाटिल उसके मालिक को बोलता है कि तुझे सभी को ये दुकान खाली करने को बोलना है और जाकर उसको धमकी दे और उसको बोल जाके। तभी वो जाता है सभी को बोलता है सभी जी मुझे दुकान यहाँ पे भाड़े पर नहीं चलानी है, मुझे इससे कुछ सामान वगैरह रखना है अपने घर का, तो आपको ये दुकान खाली करनी पड़ेगी। तो सभी बोलती हुई नजर आएगी कि ऐसा तो कहीं नहीं होता है कि अभी तुमने दुकान रेनोवेट कराई हमें देने के लिए और फिर तुम ऐसी बात कर रहे हो, तो ऐसे तो हम होने नहीं देंगे। तो ये बात सभी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है और सभी बाहर जाकर सड़क के किनारे बैठ कर रोने लग जाती है कि अब मैं क्या करूँ। तभी वहाँ से ईशान गुजर रहा होता है और ईशान जब सभी को देखता है तो सभी के पास आके बैठ जाता है और बोलता है कि क्या मैं मर गया जो तुम ऐसे रो रही हो, तुम्हें कोई परेशानी है कोई दिक्कत है तो तुम मुझे बताओ मुझे फ़ोन करो। तभी सभी बोलते हैं कि तुम अपनी शादी की लाइफ को एंजॉय करो, अपनी लाइफ में तुम आगे बढ़ चुके हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, भौर पाटिल ने मुझे तंग किया हुआ है हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। तभी ईशान बोलता हुआ नजर आएगा अगर भौर पाटिल ने तुम्हें इतना ही परेशान किया तो मैंने तुम्हें कमिश्नर सर का कार्ड दे रखा है, कमिश्नर को फ़ोन करके उसकी शादी का ठिकाने लगवा सकती हो तुम, अगर तुम फ़ोन नहीं करना चाहती तो लाओ कार्ड मुझे तो मैं कमिश्नर सर को फ़ोन कर देता हूँ। सभी कहती है कि रहने दो तुम सही कह रहे थे कि ईशान पाटिल जो बहुत अच्छा आदमी नहीं है,
उसने कल गार्ड को बहुत बुरी तरीके से पीटा था और धुरवा ने कुछ मिठाई भिजवाई थी गार्ड के हाथों, लेकिन उसने देख लिया। जी हाँ दोस्तों, वही है, सब समझता हुआ ईशान नजर आएगा और सभी से कुछ डिसीजन मांगेगा और बोलेगा सभी तुम बताओ क्या मुझे शादी करनी चाहिए। तभी सभी बोलती हुई नजर आएगी, सर ये तो आपकी ज़िंदगी का फैसला है, आपको लेना है, तो मुझे इसमें क्यों पूछ रहे हो, तो मुझे उसमें क्यों पूछ रहे हो, अपने डिवोर्स के लिए बोला था मैंने तो साइन कर दिया, अब तो ये आपकी ज़िंदगी का फैसला है। तभी ईशान बोलता है कि मुझे तुम्हारी भी राय चाहिए, तुम भी बताओ, तुम किसी से सच्चा प्यार का सच्ची बात बताओ, तुम्हें अपने आई बाबा की कसम है, क्या तुम किसी से प्यार करती हो। तभी सभी बोलती है कि मैंने तो सिर्फ आपसे प्यार किया है, लेकिन आपने समझा नहीं, और उस टाइम पे जब मैंने आपसे बोला कि मैं आपसे प्यार करती हूँ तो आपने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था, याद करो वो दिन। तभी ईशान बोलता है कि मैं बेवकूफ़ था, मुझे पता नहीं था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और इसी बात की मैं तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। तभी सभी बोलती कि अब माफ़ी मांगने का टाइम नहीं है, अब अपनी लाइफ शुरू होने जा रही है आपकी, उसको ख़राब मत करो, और 10 लोग आपके पीछे आपकी खुशी से जुड़ रखे हैं, अगर आप यहाँ अपनी खुशी मेरे साथ देखोगे तो 10 लोगों की खुशी वहाँ पे तुम्हारे इस शादी ना खराब, क्या पता आकाश आपको अटैक पड़ जाए या कुछ ऐसी गलत, क्या पता जाए भगवान ऐसा ना करे, अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर में कोई हादसा हो जाता है तो ईशान उसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। दूसरी तरफ रीवा की ज़िंदगी भी तुमसे जुड़ चुकी है और इस बार तुम्हारी कोई भी हरकत, कुछ भी ऐसी बैड न्यूज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हारे बारे में, और उसके माँ बाप भी तुम्हारे बारे में ऐसी कोई न्यूज़ सुनने को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और रीवा हमेशा के लिए कुछ ऐसा गलत कदम ना उठा ले जिससे तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाए। तभी ईशान बोलता है कि इसलिए तो मैं फंस गया हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या, ऐसा कभी कभी ख्याल आता है कि मैं खुद को अपने आप को सुसाइड कर लूँ। तभी सभी बोलती है कि ऐसा कभी मत करना, अगर ऐसा कभी भी ख्याल आए तो आप मेरे पास एनी टाइम कभी भी कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और तभी ईशान वहाँ से चला जाता है और उसके जाके सीधा घर चला जाता है, उस भोसले हाउस, तो उसे जाके बैठ जाता है जैसे कुछ अनहोनी हो गई हो। अक्का साहब उसका चेहरा देख के बोलते कि अब तो तेरी शादी होने वाली है ईशान, तो ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठा है, चलो घर में एक पार्टी का माहौल बनाते हैं। तभी ध्रुवा आ जाती है और सभी लोग, रीवा भी आ जाती है, और वहाँ पे अंताक्षरी खेलने का प्रोग्राम रखते हैं और एक दूसरे की पर्चियाँ निकालते हैं जिसमें जो पर्ची निकलेगी गेम खेलते हैं, जो पर्ची उधर निकलेगी उसी को वो रोल प्ले करना होगा। जी हाँ दोस्तों, तभी ईशान को रीवा के साथ डांस करने का रोल मिलता है और गाना भी ऐसा चला देते हैं जिसको सुनने के बाद ईशान को सभी की याद आने लगती है और सभी लोग बोलते हैं कि इस गाने को बंद कर दो, इस गाने का यहाँ पे कोई काम नहीं है, दूसरा गाना चलाओ। तभी ईशान वो गेम छोड़कर सीधा अपने रूम में चला जाता है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी तरफ पाटिल सभी को कर रहा है लगातार परेशान और कुछ ऐसा जाल बिछा रहा है जिससे सभी फंस जाएगी फिर दोबारा पाटिल के जाल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, और ईशान जाके परेशान लेट जाता है अपने रूम के अंदर अपनी सभी की यादों में। बाकी यार दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे एपिसोड में क्या होना चाहिए? और अभी आपने जरा सुना हुआ है कि अभी न्यूज चल रही है कि जो अपने ईशान है उनको सीरियल से निकाला जा रहा है, वैसे आपको क्या लगता है अगर सीरियल से ईशान को निकाल दिया गया तो आप क्या सीरियल देखेंगे या नहीं देखेंगे? मेरा ओपिनियन पूछो तो यार मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है, चाहे उसके बाद डायरेक्टर्स कितने भी अच्छे कास्ट लेकर आए, क्योंकि ईशान सर अपने फेवरेट बन चुके हैं घूमे किसी के प्यार में सीरियल के अंदर। और बाकी यार आप लोगों की मर्जी है आप आगे क्या करने वाले हो, बट मेरे लिए तो यार देखना थोड़ा सा वो हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा, क्योंकि यार क्योंकि एक अलग ही वो आ जाएगा उसके अंदर बंदा, जिससे कि सीरियल का पूरा वो मोड ख़राब हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि मैं आगे उसको फिर देख पाऊँगा। बाकी मैंने अभी से स्टार्ट किया था देखना इस सीरियल को, वैसे आपको क्या लगता है अगर इस सीरियल में से जो है ईशान को हटा दिया जाता है तो क्या होगा? और अगर आपको अलग अलग एक्सप्लेनेशन चाहिए सीरियल्स की तो मेरे चैनल पे मैं वो भी ला दूंगा, आप बस मेरे को कमेंट कीजिए। और अगर आपको शॉर्ट वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे वीडियोस ऑलरेडी है चैनल पे, आप देख लेना, वो भी मस्त मस्त वीडियोस अपलोड है शॉर्ट, आप देख लेना। बाकी आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी इस सीरियल को पसंद कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपनी सिस्टर के साथ इस सीरियल को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और मेरी वीडियोज़ को भी शेयर करो, ठीक है? बाकी आप लोगों को क्या लगता है अगर इसमें से निकाल दिया गया तो क्या होगा, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। बाकी आपकी मर्जी।